दोस्तों, पॉप म्यूजिक के शहजादे और डांस की दुनिया के लेजेंड माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता। एल्विस प्रेस्ले के बाद जदीद पॉप मौसीकी की दुनिया में अगर किसी ने गैर फानी शोहरत हासिल की तो वो सिर्फ माइकल जैक्सन ही थे। अगरचे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी शोहरत की गूंज अब तक बरकरार है और मरने के बाद भी उसे सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले फनकार की हैसियत हासिल है। माइकल जैक्सन ने दुनिया भर के उन 10 मशहूर शख्सियात में अपना नाम पहले नंबर पर रखा, जिनकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए हर साल सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इक्वाडोर से ताल्लुक़ रखने वाली 18 साल अंजलिका एलिजाबेथ ज़ेम्ब्रानो ने यह खौफनाक इंकशाफ करके लोगों को वर्ता हैरत में डाल दिया कि उसने मरने के बाद 23 घंटे दोज़ख में गुजारे हैं और उसने कई मशहूर हस्तियों को दोज़ख यानी जहन्नम में देखा, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर माइकल जैक्सन और ईसाई मजहब के सबसे बड़े मुबल्लिग और पादरी पोप जॉन पॉल दोम हैं। एंजेलिका एलिजाबेथ दोम के मुताबिक वो बज़ाहिर कोमे में चली गई थी और डॉक्टरों के मुताबिक वो कोमे में थी, लेकिन वो दर हकीकत अगले जहान को पहुँच चुकी थी और उसने जन्नत और दोज़ख का बराह रास्त मुशाहिदा किया था। एंजेलिका के मुताबिक दोज़ख में ख़तरनाक किस्म के डेमन नुमा फरिश्ते गुनहगारों को आग में झुलसा कर सजाएं दे रहे थे और वो इंतहाई भयानक मंजर था। ये गुनहगार लोग माफ़ी मांगकर तौबा कर रहे थे, लेकिन उनके अजाब में कोई कमी नहीं हो रही थी। माइकल जैक्सन के हवाले से उसने कहा कि खुदा ने उसे बताया कि ये शख्स शैतान के तर्ज पर डांस करता था और उसने दौलत और शोहरत पाने के लिए शैतान के साथ डील कर रखी थी, इसलिए अब ये दोज़ख में अजाब भुगत रहा है। पोप जॉन पॉल दोम के दोज़ख में होने पर बहुत से ईसाई तशवीश में मुब्तला थे, लेकिन एंजेलिका ने बताया कि उसे खुदा ने बताया कि ये शख्स हक और सच्चाई को छुपा रहा था और मजहबी तबलीग सिर्फ पैसे और अपनी ख्वाहिशात के लिए कर रहा था। दोस्तों, एंजेलिका का इंटरव्यू देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च बार में 23 हावर्स इन हेल सर्च करें और माइकल जैक्सन के दोज़ख में हालात एंजेलिका की ज़ुबानी सुनने के लिए यूट्यूब पर माइकल जैक्सन ऑन हेल सर्च करें, क्योंकि एंजेलिका के इस बयान को बहुत से लोग हकीकत पर मबनी तस्लीम कर रहे हैं और बहुत से लोगों के मुताबिक ये एक सफेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं, इसलिए उसके बारे में कोई राय कायम करने से पहले आप खुद उसका इंटरव्यू देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।